शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अबे जल्दी करना यार, दो मिनट यार, दो मिनट के आधा घंटा हो गया। हेलो, फौरन इलाज कीजिए, बचाइए इसे। मगर हुआ क्या इसको? पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी में आकर कुचल कर चले गए। बचाइए इसे डॉक्टर। एक्सीडेंट का केस है गुप्ता, पुलिस स्टेशन को फोन करो। डॉक्टर, पुलिस की आने तक ये आदमी मर जाएगा। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो विशाल, छोड़ दो इसे। देखो देखो, ये भी इंसान है, इसके अंदर भी जान है। ये मर गया। देखो, जो तुमसे गलती हुई है उसे मानो। हाँ, मुझसे गलती हुई है। एक आदमी मेरे सामने लहूलुहान तड़प रहा था, मुझसे गलती हुई उसे अस्पताल पहुंचाकर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना निशान? हाँ माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस आदमी को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, जैसे लोगों ने मेरे भाई को छोड़ दिया था, है ना डैड? अगर मेरी जैसी गलती किसी और ने की होती तो आज मेरा भाई मरता नहीं, जिंदा होता वो। ये कहना तो मुश्किल होगा कि यह आदमी बाबा खान का था या मन्ना शेट्टी का। चेहरा तो इसका तेजाब से चला गया सर। वो दूसरी लाश किसकी थी? उसका नाम वामन चौरसिया सर, पास की शांतिनगर झोपड़पट्टी में रहता है। उसके रिश्तेदारों को खबर कर दी है? सर सिर्फ एक ही बेटा है उसका, जो कूपर हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। उसी के लिए दवाइयां लेने जा रहा था, रोड क्रॉस किया। और ये देखो, ये बाबा खान और मन्ना शेट्टी के बीच में जो पकड़ा है ना, यस सर, ये सब उसी का नतीजा है। यस सर, इसलिए दोनों के आदमियों पर कड़ी नजर रखो। राइट सर। अरे सेठ को बुलाओ, कोई मर जाएगा, मैं सेठ को बुलाओ। अरे रोता कह रहा के जैसा, कुछ नहीं होगा तेरे को, चुप करके बैठ एकदम, लड़की की तरह रोता है। ए भाई सेठ को बुलाओ, देख मर जाएगा, अपन सेठ को बुलाओ। बड़ी बंदा खुलो। निकाल दी है, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन पैर में रॉड बिठाना पड़ेगा। अब ये चल फिर नहीं सकेगा। मतलब लाइफ में मोमेंट नहीं तो कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे बचाओ सेठ जी। नहीं बाबा, नहीं, घबराने का नहीं, सब टाइम एक जैसा नहीं होता, ये सब नेचुरल मोमेंट है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, फिर मॉर्निंग, सब टाइम टू टाइम रोलिंग होते रहता है। आदमी को एक एक मोमेंट फेस टू फेस करना चाहिए। तुमने मसूद के चेहरे पे एसिड डालकर बहुत बड़ा काम किया है, अब पुलिस के मूवमेंट का कोई खतरा नहीं। बाबा, तेरे 7 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन खेरवाड़ी में कांस्टेबल शर्मा का पहला मर्डर, 19 नवंबर को अरेस्ट हुआ, 3 दिन का रिमांड और 23 नवंबर को जमानत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन शर्मा का फाइल बंद। इस पहले मोमेंट के बाद 7 मर्डर बिना किसी फॉल्ट के होशियारी से किया। बब्बा, गवर्नमेंट जॉब मिलने का एज 25 साल, पीरियड 30 साल और रिटायरमेंट 55 में। मगर हमारे धंधे में ना जॉब मिलने का टाइम फिक्स है, ना रिटायरमेंट का। मैं तेरे को रिटायर करता हूँ। नहीं सेठ जी, सेठ जी मुझे माफ कर दो, सेठ जी मुझे माफ कर दो, सेठ जी। नहीं बाबा, मैं तुमको टूटे फर्नीचर की तरह कोने में रखा नहीं देख सकता। नाम
मर्दों की तरह मैदान में पीठ दिखाकर वापस आया हराबे साला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। अरे ये तो ऐसा मर्द था जो सिर्फ औरतों के अखाड़े में लंगोटा बांध के उतरता। आज इस हरामजादे की वजह से वो मन्ना शेट्टी अपने सीने को ठोकता होगा ऐसे ऐसे ऐसे। वो समझता है कि वो खान से टक्कर लेगा, खान से जिसने उसको इस शहर में पहली रोटी खिलाई, उससे टक्कर। क्या बोलता तुम मना, क्या बोलता तुम हा? हा? ये गोली बारी या खून खराबा क्या मिलने वाला तुमको इससे? चिंतु कौन पाना? ए अंकल, मन्ना को सिखाने का नहीं, हमको सब पता है, इन्हें को पूरा गोतुंडो। क्या पता तुमको? हिचिन को तुंड का, आज इसको गोली मारा कल इसको गोली मारेगा, कल अपने भाई को गोली मारेगा तुम? हाँ मार देगा। ये सब धंधे के एंट्री से पहले मैं सब लोगों को फेस टू फेस बोला था। ए मन्ना तरे समेत जा मरला आतना, तुम सबको गोली मार देगा, पागल हो गए तुम पागल। ए अंकल, अभी मुंह बंद रखने का, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार देगा। मन्ना शेट्टी एक ही बात जानता है, क्राइम वर्ल्ड के हर चैनल का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए। अब कुछ बात समझ में आई, चौधरी साहब का नंबर मोहिने के पास क्यों था? वो चौधरी साहब के बेटे विशाल के साथ गाना गा रही थी। चलो इसे लड़का पसंद तो आया, आखिर उम्र भी तो हो गई है इसकी। अच्छा, जो कल तक बिल्कुल बच्ची थी आज अचानक उम्र हो गई। जय हो नारी माँ, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अब आप जल्दी से चौधरी साहब से मिलकर शादी की बात कर लीजिए। आखिर हो ना गुड़ दिमाग, कहाँ वो ACP, कहाँ मैं हेड कांस्टेबल, हम दोनों समधी बनेंगे, सर पर पगड़ी बांधकर गले मिलेंगे। शादी की बात कर लो। डैडी, किसकी शादी? डैडी आप शादी करेंगे? माँ, माँ की सौत लाएंगे आप इस घर में? अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ये विशाल के साथ तूने जो विशाल चक्कर चलाया है ना, उसका कुछ आगे पीछे का सोचा है या नहीं? डैडी मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड़ जरूर आएगा, इसलिए मैंने अपने डायलॉग पहले से तैयार कर लिए हैं। डैडी प्यार अंधा होता है, वो छोटे बड़े ऊंच नीच का फर्क नहीं देखता। और फिर मम्मी ये तो हर लव स्टोरी में ऐसा होता है, सेठ करोड़ी मल की बेटी राधा हमेशा छोटे दर्जे के किशन से ही प्यार करती है। मम्मी आपने वो सावन को आने दो पिक्चर देखी है? नहीं बेटी, मैंने तो एक ही फिल्म देखी है, मदर इंडिया। और इसीलिए आप मदर इंडिया जैसे हो गई हैं। डैडी आपने इन्हें रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं दिखाई? आप तेरी फिल्म देख रही है ना, तेरी स्टोरी जो भी हो उसका दी एंड जूनागढ़ में होने वाला है। आदमी कुचल कर मर गया, ये वही आदमी जिसे मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर मारा। उस आदमी के हाथ में एक रिवॉल्वर भी था, लेकिन उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक खूनी सड़कों पर सरेआम घूमता रहा, और आपकी पुलिस से किसर? तुम पुलिस को उसका काम मत सिखाओ।
तुम्हें मेरी रेपुटेशन, मेरे नाम का कुछ ख्याल है कि नहीं? आपको कितना ख्याल है डैड हमारा और इस घर का, मुझे पता है। विशाल माँ मुझे बोलने दे। डैड आपको ख्याल सिर्फ अपने नाम और अपने पहचान का है। देखो देखो इस तस्वीर की तरफ, इससे आपका कोई रिश्ता है कि नहीं? ये आपका बड़ा बेटा विकास चौधरी, 2 साल पहले पुलिस को उसकी कुचली लाश मिली थी, जिसे एक्सीडेंट करार करके पुलिस ने उस केस से छुटकारा पा लिया। बोलिए डैड, अगर ये एक्सीडेंट था तो पुलिस अब तक उस कार, उस ड्राइवर का क्यों नहीं पता लगा सकी? वो वैसे भी कैसी पुलिस, कैसा कानून? जब पुलिस कमिश्नर को खुद अपने बेटे की मौत का इंसाफ नहीं मिला, तो भला एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिल सकता है? वो तेरा भाई बाद में है, पहले हमारा बेटा है, ये बाप है उसके। जा, चला जा यहाँ से। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ, आप इसकी बात नहीं। रेवती, विशाल ठीक ही कह रहा है, ये सच है कि मैंने काफी हद तक अपने आप को इस घर से काट लिया है। वक्त कहां दे पाता हूं मैं तुम्हें? इस शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कुछ गुंडा ताकते हमारे कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं बोलता तो रहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो यह है रेवती कि सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है। मैं इतना उलझ गया हूं कि अपने बेटे की मौत तक को भुला चुका हूं।